सदी की सबसे खतरनाक महामारी के इस दौर में अदृश्य कोरोना वायरस से निर्णायक लड़ाई लड़ने एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय है अपने घर में रहना। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस कठिन समय में धैर्य एवं संयम बरतें। हम निश्चित ही विजयी होकर शीघ्र ही जीवनचर्या में वापस होंगे। विक्रांत में अध्ययनरत आपके बच्चों से समूह के विद्वान शिक्षकगण विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से अध्ययन अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संपन्न करा रहे हैं, जिससे आगामी परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचित्रा बोस, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC मॉडल हॉस्पिटल नंदा नगर की चिकित्सा अधीक्षक हूँ। ESI हॉस्पिटल को जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस महामारी के से डील करने के लिए येलो जोन हॉस्पिटल में लिया गया है और हमारे यहाँ कोरोना वायरस के जो सस्पेक्ट मरीज़ हैं यानी जिनमें लक्षण है और जिनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जो रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे मरीज़ हमारे यहाँ भर्ती हैं और उनकी इलाज के लिए हम जितनी दवाइयां हैं प्रोटोकॉल के अनुसार वो तो दे ही रहे हैं, साथ में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ करने के लिए हम बहुत सारी होलिस्टिक थेरेपी की मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक है म्यूज़िक थेरेपी, जिसके माध्यम से हम उनको भजन, अच्छा संगीत, मोटिवेशनल ऑडियो सुना रहे हैं ताकि उनके अंदर उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनका जो मनोबल है वो सुदृढ़ हो, उनके अंदर जीने की इच्छा पैदा हो, उनका भय जो है वो कम हो सके और वो इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकें। इसके अलावा हमने आहार के माध्यम से भी उनको प्रोटीन और विटामिन रिच आहार, जिसमें चना, मूंगफली, गुड़, खजूर आदि है, ये हम उनको दे रहे हैं। इसके साथ ही हमने आयुष के जो विभिन्न अंग हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो योगा थेरेपिस्ट है वो हमारे चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वसन तंत्र, अपने फेफड़ों को मजबूत करने की जो एक्सरसाइज हैं वो सिखा रहे हैं। हमारे जो आयुर्वेद फिजिशियन हैं उन्होंने आयुर्वेद में जो रोग से प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं हम वो भी दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे चिकित्सालय के सभी डॉक्टर और स्टाफ अपने पूरे मनोबल के साथ, अपनी पूरे डेडिकेशन के साथ जिस प्रकार से मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, हम इस चुनौती का सामना अच्छी तरह से कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चिकित्सालय से स्वस्थ होकर घर जाएंगे। और इसी परंपरा में अभी विगत दिनों हमारे चिकित्सालय से करीब 15 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और मैं इंदौर के सभी और इस पूरी हमारी लड़ाई में इंदौर के बहुत से दानवीर नागरिकों ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया है और मैं इस सभी चीज़ के लिए उनकी हृदय से आभारी हूँ। आदर्श चिकित्सालय मतलब ESI हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन सभी ने मेरे विजन को समझा और एक टीम की तरह हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। धन्यवाद।